This story is brought to you by tapeatale.com. अच्छी लड़कियां पीरियड्स के बारे में सबके सामने बात नहीं करती। जब मैंने सबसे पहली बार ये स्टेटमेंट सुनी थी ना, तो मुझे पता नहीं था मैं इस पे कैसे रिएक्ट करूं। सच बताऊं तो सुनकर वियर्ड तो लगा था, लेकिन लगा कि शायद सच भी हो सकता है। बैकग्राउंड दूं तो आई केम फ्रॉम एन ऑल गर्ल्स स्कूल, एक ऐसी जगह जहां पर बंद ऑडिटोरियम में विदाउट माइक्रोफोन एंड मेल टीचर्स हमें सबसे पहली बार पीरियड्स के बारे में बताया गया था। आई स्टिल रिमेम्बर 6th पीरियड में हमें अपने सब्जेक्ट टीचर्स के साथ ऑडिटोरियम में जाना था, पर हमारे मैथ्स टीचर मनोज सर वो ऑडिटोरियम के बाहर से कल्टी मार कर चल दिए थे। और जब स्कूल में ही ये बात ऐसे बताई गई हो तो पीरियड्स के बारे में सबके सामने बात नहीं करते। ग्रोइंग अप आई वॉज रियली कंफ्यूज्ड अबाउट द एंटायर प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इतने सारे लोग और उनकी हजार बातें। मासी जी के घर पे पीरियड्स के टाइम पर किचन के अंदर जाना अलाउड ही नहीं था। मम्मी कहती थी पीरियड्स पे हो पौधों में पानी मत डालो, शाम के 7 बजे बाहर निकलकर बाल खुलकर जा ही नहीं सकते, पीरियड्स पे हो तुम मंदिर के अंदर मत घुसना, पीरियड्स पे हो तुम आरती के सामान को टच मत करना, पीरियड्स पे हो तुम फैमिली फंक्शन में ये बात किसी को बता मत देना। मैं समझ रही थी ये सारी चीजें, बट देन आई स्टार्टेड टू हेट दिस प्रोसेस। My body bleeding when something happened with me. हमारा स्कूल था और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन चल रहे थे और हमारे गर्ल्स स्कूल में लड़के आए हुए थे। मेरा एक्साइटमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैं बैक स्टेज खड़ी थी, आई वॉज होस्टिंग। सो मैं अभी आधा ही घंटा था इवेंट चालू होने में कि मैंने रियलाइज किया कि मेरे स्कर्ट पर एक स्टेन है। अपने हाथ से ढक, जल्दी बाहर निकल और कपड़े चेंज कर क्या, अनीता मैम ने मुझे गंदा सा स्टेयर दिया और कहा कि अभी के अभी कपड़े बदल कराओ। मैं वॉशरूम गई और वहाँ पर जाके देखा तो एक लंबी लाइन थी। मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था, घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं सेकंड फ्लोर की तरफ जाने लगी और सेकंड फ्लोर के वॉशरूम के बाहर एक लड़का खड़ा था और मैं उसको अवॉइड करना चाहती थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मैं क्या करूंगी। मैं जा ही रही थी कि मैंने देखा कि मेरी हेल्थ रूम वाली टीचर ने ना ये होते हुए देख लिया है। शी केम रनिंग टू मी, शी हेल्ड माई आर्म वेरी 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 टाइट, टुक मी टू द हेल्थ रूम एंड गिव मी अ लॉन्ग 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 लेक्चर। I quote her words, बेशरम लड़की, स्कूल में लड़के आए हुए हैं और तुम ये लाल दाग लेकर बेहुदा हरकतें कर रही हो। बेहुदा हरकतें? उस टाइम मुझे वॉशरूम जाना था, लेकिन मेरी टीचर को मेरे कैरेक्टर को जज करना था जस्ट बिकॉज आई हैव अ स्टेन ऑन माय स्कर्ट एंड अ बॉय कुड हैव सीन इट। शी ह्यूमिलिएटेड मी द मोस्ट व्हेन आई नीडेड कंफर्ट द मोस्ट। I was bleeding, I was in pain, और तब मुझे realize हुआ कि periods के, menstruation के किसी भी rule में कोई logic है ही नहीं। Growing up, I devised my own set of beliefs and opinions about menstruation as a process. जैसे कि लड़कियों को मंदिर जाने के लिए इसलिए मना किया जाता है ताकि वो घर बैठकर rest कर सके। हिस्टोरिकली महिलाएं बाहर ज्यादा जाती थी मंदिर जाने के लिए और उनको रेस्ट देने के लिए ये किया गया था। लोगों का ये कहना कि इस टाइम पर महिलाएं अपवित्र होती है इज नॉट सपोर्टेड बाय एनी फैक्ट्स। पीरियड्स के बारे में लड़कों को तो क्या, सबको बताना चाहिए बिकॉज इट्स जस्ट अ बॉडी प्रोसेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अच्छी हो या बुरी एवरी गर्ल ब्लीड्स तो उसके बारे में बोलने से कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। यू नो, मैंने कभी भी अपने ओपिनियंस किसी और पर फोर्स करने की कोशिश नहीं की क्योंकि हो सकता है उनका मानना भी ठीक हो। और कभी कभी मैं अपने घर वालों के, अपने अपनों का दिल रखने के लिए उनकी बातें मानती थी। जैसे कि जब मम्मी को पता होता था तो मैं मंदिर नहीं जाती थी, उनको पता होता था मैं पौधों में पानी नहीं डालती थी। ऐसा नहीं था कि किसी भी एस्पेक्ट में आई बिलीव्ड इन व्हाट शी बिलीव्ड इन, बट आई रियली वॉन्टेड टू रिस्पेक्ट द फेथ शी हैड इन इट। सो आई वॉज गोइंग With this, until recently, हमारे घर में एक पूजा थी और मुझे strict instructions मिले हुए थे कि मुझे बाहर से खड़े होकर आरती को देखना है because I was bleeding. आरती चल रही थी और मामा जी और उन्होंने कहा अरे अरे तू बाहर क्या कर रही है, चल 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 चल, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर लेकर वहां पर एक आंटी ने आरती की थाली मेरे हाथ में पकड़ा दी।
वहां पर करीबन 40 लोग थे, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त। और अच्छी लड़कियां तो सबके सामने पीरियड्स का जिक्र ही नहीं करती। और आरती की थाली वापस लौटा देना तो भगवान की डिसरिस्पेक्ट है। तो मैंने भी आरती कर ली और चुपचाप पीछे चली आई। चाची जी को पता था कि ये लड़की पीरियड्स पर है, तो वो मेरे साथ साथ पीछे आई। बेशरम लड़की, तुझे पता नहीं है इसकी वजह से तेरे घर पर पाप भी चढ़ सकता है, तेरा घर बर्बाद हो सकता है। वेट अ सेकंड, घर बर्बाद? मतलब चाची जी, आप कौन सी सेंचुरी में रह रहे हो? घर बर्बाद कैसे होगा? आप सोच के देखिए, अगर भगवान को इस बात से दिक्कत होती तो वो इस प्रोसेस को बनाते ही क्यों? एक तो गलती करती है, ऊपर से जबान चलाती है, कैसी गंदी लड़की है। अब उनकी आर्ग्यूमेंट्स तो जो हो रही थी वो होती जा रही थी लॉजिकल, ठीक है, और उनकी आवाज बढ़ती जा रही थी। इतनी बढ़ती जा रही थी कि सब लोग हमें मुड़कर देखने लग गए। चाची जी मेरी तरफ फेस करी हुई थी तो उनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। उन्होंने सारी बात बोली और पीछे मुड़ी तो देखा कि 40 में से 30 लोग हमारी बातें सुन रहे थे। शी फेल्ट एम्बैरस्ड, मेरी तरफ मुड़ी और मैंने उन्हें कहा, चाची जी सही कहा आपने, अच्छी लड़कियां पीरियड्स के बारे में सबके सामने बात नहीं करती। ये कहा और मैं वहां से चली गई। आई फेल्ट वेरी ह्यूमिलिएटेड। मुझे एक बार के लिए बुरा भी लग रहा था कि कहीं मैंने अपनी मम्मी को या चाची जी को या फिर किसी को हर्ट तो नहीं किया है। पर मेरी गलती क्या थी? ये कि मैं पीरियड्स पे थी या फिर ये कि मैं पीरियड्स पे थी? एक बात बताओ, क्या उन्हें ये कहना चाहिए था कि मेरे पीरियड्स की वजह से मेरा घर बर्बाद हो सकता है? सोच कर देखो एक बार के लिए, एक नॉर्मल सा बॉडी प्रोसेस, पीरियड्स है ना, जिसके साथ जुड़ा है पेन, डिस्कम्फर्ट, अनइजीनेस, एम्बैरेसमेंट की पॉसिबिलिटी और तुम्हारे कैरेक्टर जज होने का स्कोप। जानती हूं कि हम में से आधी लड़कियां तो इस चीज में बिलीव भी नहीं करती, लेकिन किसी अपने के विश्वास की दिल रखने के लिए और सोसाइटी का मान रखने के लिए हम उनकी कई बातें मान लेते हैं, ना इस चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं ना उस लॉजिक को मांगते हैं किसी और से, बस हम उनका दिल रख लेते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। पर ज़रूरी है हम सबका बोलना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि किसी और की ओपिनियंस और वैल्यूज़ की इज्जत करने के लिए हम खुद को ह्यूमिलिएट करते रहें। Every time, never respect anyone's beliefs on the cost of your humiliation. And it is very, 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 very important that we speak up collectively about what's right. Because periods are that time of the month when we women need comfort the most. Don't we?